19 साल के मुशीर के विस्फोटक बैटिंग का दीवाना व पूरा क्रिकेट जगत तो अक्षर पटेल ने अपने धाकड़ ऑलराउंड खेल से मचा दी क्रिकेट जगत की गलियों में सनसनी। पहले ठोका शतक, फिर अपनी शानदार गेंदबाजी से उड़ा दिए विरोधी टीम के परखच्चे। यही नहीं, उनका साथ निभाते हुए हर्षित राणा ने भी आग उगलती हुई गेंदबाजी से जो किया वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया। तो मुशीर खान से लेकर अक्षर पटेल और हर्षित राणा का वो कातिलाना प्रदर्शन तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मुशीर गिल और सरफराज में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत ए और भारत बी के बीच दिलीप ट्रॉफी का पहला मुकाबला खेले जा रहा है। इस मुकाबले में भारत ए के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर भारत बी को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में शुरुआती विकेट जल्दी कमाने के बाद सरफराज खान के भाई 19 साल के मुशीर खान ने भारत बी की पारी को संभालते हुए शानदार शतकीय पारी खेलकर डेब्यू मुकाबले में यह कारनामा किया और पूरे क्रिकेट जगत को हक्का बक्का कर दिया। जी हां दोस्तों, बता दें एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत बी के लिए शुरुआत में तो कुछ भी सही नहीं हुआ। उनके लगातार अंतराल में विकेट गिरते गए। एक समय भारत बी 94 रनों के स्कोर पर 7 विकेट गवाकर मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने आए शानदार बल्लेबाज मुशीर खान ने पहले दिन 227 गेंदों पर 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से 105 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेलकर भारत बी को 7 विकेट के तूफान पर 202 रनों के स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। तो वहीं दूसरे दिन उन्होंने नवदीप सैनी के साथ मिलकर न केवल 200 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी को अंजाम दिया बल्कि 373 गेंद पर 14 चौकों और 5 खौफनाक छक्कों से सजी 181 रनों की बेमिसाल पारी खेल डाली और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। जहां अपने डेब्यू पर ही ऐसा करिश्मा करने वाले मुशीर केवल इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं, इसके बाद तो हर तरफ केवल उनकी वाहवाही और उनकी चर्चा हो रही है। आखिर हो भी क्यों ना, जिस टीम में खेलते हुए यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, नितेश रेड्डी और खुद उनके बड़े भाई सरफराज खान जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी फ्लॉप साबित हुए, वहाँ 19 साल के इस खिलाड़ी ने मुश्किल परिस्थिति में भी हार नहीं मानी। 181 रन बनाकर उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, केवल मुशीर ही नहीं बल्कि इस दिलीप ट्रॉफी में तो अन्य भारतीय सुपरस्टार खिलाड़ियों का जलवा भी देखने को मिल रहा है। बता दें दिलीप ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला इंडिया सी और इंडिया डी के बीच में हो रहा है। इस मैच में अक्षर पटेल की तरफ से धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली इंडिया डी के लिए खेल रहे अक्षर पटेल ने बड़ी खास अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया। जी हाँ, जहाँ अक्षर पटेल ने इंडिया डी के लिए ताबड़तोड़ पारी खेली वहीं टीम के बाकी सभी बल्लेबाज बुरी तरह से फ्लॉप होते दिखाई दिए। मुकाबले में पहले बैटिंग के लिए उतरी श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली इंडिया डी 164 रन पर ही सिमट गई, जिसमें 86 रनों का योगदान अक्षर पटेल का रहा। हालांकि वो अपना शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेली। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उनकी टीम के कुल 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके, जिसमें 3 बल्लेबाजों को तो खाता भी नहीं खोलने का मौका मिला। यानी कि अक्षर पटेल तो अपनी टीम के लिए संकट मोचन बने, तो बल्लेबाजी से समा बांधने के बाद जब उन्होंने गेंद हाथों में उठाई तब तो मानो करिश्मा ही कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, केवल 164 रनों का पीछा करने जब इंडिया सी के बल्लेबाज उतरे तब उनके कॉन्फिडेंस को मानो किसी की नजर लग गई और उन पर कहर टूटा। इंडिया डी के गेंदबाज हर्षित राणा और खुद अक्षर पटेल का, जहाँ हर्षित ने तो अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा जलजला लाया कि इंडिया सी के टॉप ऑर्डर की इस खिलाड़ी ने अकेले धज्जियां उड़ाकर रख दी। बेहद खतरनाक दो खिलाड़ी दोनों ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन का शिकार उन्होंने पहले 7 ओवर के भीतर कर इंडिया सी टीम की कमर तोड़कर रख दी। तो अगले 2 बल्लेबाजों को अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी के आगे ढेर किया, जिसमें एक रजत पाटीदार जैसे खूंखार बल्लेबाज का नाम भी शामिल है। इन दोनों गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंडिया सी क्रिकेट टीम की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जिसमें हर्षित राणा ने आग उगलते हुए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि कुल 4 बल्लेबाजों का शिकार किया। 13 ओवर में 5 मिडन फेंके और केवल 37 रन दिए, तो वहीं अक्षर पटेल ने भी 13 ओवर में केवल 46 रन देकर 2 खतरनाक बल्लेबाजों का शिकार किया और इंडिया सी क्रिकेट टीम को केवल 168 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया सी की टीम इतनी अच्छी बॉलिंग के बाद भी केवल 4 रन की बढ़त ले पाई और इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अपनी टीम की तगड़ी वापसी करा दी और अपनी टीम को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। तो दोस्तों, इनका तूफानी प्रदर्शन देखने के बाद अब आप किस खिलाड़ी के फैन बन गए हैं? क्या मुशीर को टीम इंडिया में खेलने का मौका मिलना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।